जहां एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी देने और रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर जयेश पुजारी को गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया, वहीं अब बिजली कटौती से नाराज एक शख्स ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर बम होने की फर्जी सूचना देकर हड़कंप मचा दी। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 23 साल के युवक ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित घर में बम लगाए जाने की फर्जी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि बाद में पूरा मामला महज अफवाह निकलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने कामठी के रामन नगर निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि देर रात फर्जी कॉल करने के दौरान वह शराब के नशे में था। पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि सोमवार की रात किसी ने कॉल करके डिप्टी सीएम के घर के बाहर बम होने की सूचना दी थी। जांच में ये फर्जी कॉल निकली। आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी देने और रंगदारी मांगने वाले कर्नाटक की बेलगांव जेल में बंद गैंगस्टर जयेश पुजारी को हिरासत में लेने के बाद नागपुर पुलिस उसे भी यहाँ ले आई है। ये जब हमने पहले बताया था कि हमने जब बेलगांव जेल की सर्च की थी तो नागपुर शहर पुलिस को उसके पास से मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स मिले थे, जो इस मैटर के एविडेंस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुरावा था। उसके बाद इसको यहां पे लाने की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, नागपुर कोर्ट की हो या बेलगांव कोर्ट की हो, बेलगांव के जेल प्रशासन की हो, वो सभी के जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ थे वो कंप्लीट करके जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है और जो एयरलाइन है और जो वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी एयरपोर्ट की है, उन सभी से कोऑर्डिनेट करने के बाद उसको आज जो एक कमर्शियल फ्लाइट है उससे उसको आज लाया गया है। अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। डेफिनेटली फ्लाइट से लाना ज़्यादा कंफर्टेबल था, ज़्यादा कन्वीनियंट था, सुरक्षा के दृष्टि से ज़्यादा उचित था, लेकिन साथ साथ कमर्शियल फ्लाइट में जो आम पैसेंजर्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो और उनको किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो, ये भी जवाबदारी थी। दोनों की प्रॉज एंड कॉन्स एसेस करके जो भी गाइडलाइंस और नियम हैं उसका पालन करके ये डिसीजन लिया गया था। कल रात को एक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को कॉल किया था, उसकी तहकीकात की गई और जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसको ताबे में लिया गया है। चौकसी शुरू है लेकिन किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना उसके तरफ से होनी थी या होने की संभावना थी ऐसी कोई भी बात नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।